हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में अच्छे से आप देख लीजिए, ये टॉपिक पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले पहचानते हैं रैंडम वेरिएबल कैसे हमें निकालना होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ रैंडम वेरिएबल है क्या, देखिए, जैसे टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, तो रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एस। तो देखो, अगर हम दो कार्ड निकाल लें तो नंबर ऑफ एस कितना हो सकता है, अगर दो कार्ड निकाले हो सकता है उस पर एक बार भी एस ना हो तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। हो सकता है जो दो कार्ड हमने निकाला उस पर एक पर एस आए तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। हो सकता है हमने जो दो कार्ड निकाला दोनों पर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, 0, 1, 2। अब उसी तरह देखिए, नंबर ऑफ डबलेट्स, डबलेट्स का मतलब होता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। एक पेयर ऑफ डाइस को हमने फेंका 3 बार तो नंबर ऑफ डबलेट क्या आ सकता हो, अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो 3 टाइम, तो हो सकता है कि एक पर भी डबलेट ना आए, 3 बार फेंका गया इसमें एक पर भी डबलेट ना आए, यानी कि ऐसा केस हो जाए 1, 3 आए, 2, 1 आए, 1, 5 आए, तो एक पर भी डबलेट नहीं आया तो हो सकता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसा हो एक पर डबलेट आया, 2 पर डबलेट ना आए, यानी कि यहाँ पे हो क्या 2 है तो यहाँ पे 2, 2 आए और यहाँ पे बाकी ऐसा, तो एक पे डबलेट आ सकता है तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। हो सकता है 2 पे डबलेट आए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 2 पे डबलेट हो गया, 2 पे डबलेट हो गया तो 2 हो सकता है। हो सकता है तीनों पे डबलेट आ जाए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या आ जाए, 3 आ जाता है, ऐसा हो सकता है तीनों पे डबलेट आ जाए तो x की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन, दो कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, एक भी हेड ना आए, एक हेड आ जाए या फिर दोनों पर हेड आ जाए, ये हो सकता है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल। चौथा एग्जांपल है, नंबर ऑफ सिक्स व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, जब दो डाइस को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सिक्स क्या सकता है, हो सकता है एक पर भी सिक्स ना आए, हो सकता है एक पर सिक्स आए, हो सकता है दोनों डाइस पे क्या आ जाए, सिक्स आ जाए। तो इस तरह से आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 5-6 क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके करा रहा हूँ और उसको अच्छे से समझ लीजिए, आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ये तो अभी हमने देखा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कॉइन बोला, एक पेयर ऑफ कॉइन को 3 बार फेंका गया तो नंबर ऑफ डबलेट क्या होगा, एक पर भी डबलेट ना आए, एक पे डबलेट आए, दो पे डबलेट आए या फिर तीनों पे क्या आ जाए, डबलेट आ जाए। डबलेट का मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 या फिर 5, 5, 6, 6 हो गया। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो बच्चे ये कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके निकालना है, यहां पे लिखना है आपको एक्स और नीचे लिखनी उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्स 0, 1, 2, 3 और नीचे लिखना उसी की प्रोबेबिलिटी। तो देखो बारी बारी से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो आपने तीन, देखो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 कितने हैं, 6 है के, 6 अपॉन में टोटल कितना है 36, तो आंसर क्या आ जाए 1/6, डबलेट 6 ही होंगे ना, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/36 यानी कि 1/6, और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट डबलेट, ये हो जाएगा 5/6। अब ध्यान से देखिए, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, जो तीन बार पेयर ऑफ डाइस फेंका गया एक बार भी डबलेट नहीं आए, यानी तीनों बार क्या है, नॉन डबलेट आए, यानी कि 5/6 × 5/6 × 5/6 तीनों बार नॉन डबलेट आए, तो आंसर कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 216, तो यहां पे क्या आ जाएगा 125 अपॉन में 216, ये हो गया x इज इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी। फिर निकालेंगे x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, यानी एक बार डबलेट आए, तो एक बार डबलेट आएगा तो क्या आ जाएगा, डबलेट एक बार आ जाए यानी कि 1/6, अब बाकी दो बार क्या है, नॉन डबलेट, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो कि पहले नॉन डबलेट आए, 5/6 आए इनटू में 1/6 आए इनटू में 5/6, या ऐसा हो सकता है पहले दो बार में नॉन डबलेट हो, 5/6 × 5/6 और ये आ जाएगा 1/6, तीन केस बन सकते हैं, एक डबलेट के भी कितने केस बन सकते हैं, तीन केस बन सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 जा
25 अपॉन में 216 आया था, तीन बार है तो कितना आ जाएगा 75 अपॉन में 216, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 75 अपॉन में 216। अब x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, यानी दो बार डबलेट आए, देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 यानी दो बार क्या है डबलेट आए, तो दो बार डबलेट कैसे हो सकते हैं, देखिए 1/6 × 1/6 और फिर एक नॉन डबलेट हो यानी के 5/6, या ऐसा हो सकता है 1/6, 5/6 और फिर 1/6, यहां भी दो डबलेट है, या ऐसा हो सकता है 5/6 × 1/6 × 1/6, ये कैसे हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया 5 अपॉन में 216 और ऐसा था तीन बार है तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 15/216, ये आ गया x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी। अब निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि तीनों पर डबलेट हो, यानी कि 1/6, 1/6, 1/6, आंसर क्या आ जाएगा 1/216। आप इसको यहां पे डाल दीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 216 और इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन में 216। बच्चों वेरीफाई करने के लिए आप इसको सम कर लिया करें, अगर सम 1 आ रहा है तभी आपका आंसर सही है। देखो आप इसका सम करेंगे तो नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा 216 और ऊपर ऐड करो 125 और 75, ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 हो जाएगा 215 और ये क्या हो जाएगा 1 216, ये आ गया आंसर 1, यानी ये बिल्कुल सही है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या बोला है, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, जब एक कॉइन को 6 बार टॉस किया जाएगा तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड एंड टेल, तो क्या क्या केस बनेगा, जब 6 कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो 6 हेड आएगा और 0 टेल आएगा, या फिर क्या हो सकता है 5 हेड 1 टेल, या क्या हो सकता है 4 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड और 4 टेल, 1 हेड 5 टेल, या फिर क्या हो सकता है बताइए 0 हेड और 6 टेल, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता है जब हम 6 कॉइन को टॉस करेंगे। तो बताओ जब ये वाला केस आएगा तो हेड और टेल के नंबर में कितना डिफरेंस हुआ, 6 - 0 क्या आ जाएगा बताओ 6, जब ये केस आएगा तो 5 हेड है और 1 टेल है तो इनके नंबर में डिफरेंस कितना हुआ 5 - 1 यानी के 4 आ जाएगा, 4 हेड और 2 टेल होगा तो नंबर में डिफरेंस कितना आएगा 4 - 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 हेड 3 टेल तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बाकी यहां जब करेंगे तब भी डिफरेंस क्या आएगा 2 हमने लिख दिया, जब यहां करेंगे तब भी यहां डिफरेंस कितना आएगा 4 वो हमने लिख दिया, इसमें डिफरेंस कितना आएगा 6 वो हमने लिख दिया, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है 6, 4, 2 और 0, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकता है, 1 भी हेड ना हो, 1 हेड हो या फिर 2 हेड हो, और कोई केस तो बनेगा नहीं, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो ऐसे करके हम क्या बनाएंगे एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू 0, 1 और 2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे उसकी क्या लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, जब कितने कॉइन को टॉस किया गया 2 कॉइन को, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा सैंपल स्पेस हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये होगा। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, एक भी हेड ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ, ये आ गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, यहां पे फिल कर देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4, इसे ऐड करेंगे 1/4, 1/4, 1/2 और 1/2 + 1/2, 1 आएगा, ये भी बिल्कुल सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों हमारे पास क्या, अ कॉइन इज बायस्ड, कॉइन क्या है अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड किया हुआ, यानी इसमें हेड आने का जो चांस है वो टेल आने का 3 गुना है। इफ अ कॉइन इज टॉस
ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार फेंका गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल। जब हम एक कॉइन को दो बार फेंकेंगे, जब एक कॉइन बोला गया ना, एक कॉइन को दो बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ टेल क्या क्या हो सकता है, एक पर भी टेल ना आए, एक पर टेल आ जाए या फिर दो पर टेल आ जाए, इसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो अगेन अब इसमें देखिए ध्यान से, यहां हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो 1/2 नहीं होगा। यहां पर देखिए हेड की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 times है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और हम जानते हैं किसी भी इवेंट में हेड और प्लस टेल दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तो इसकी जगह लिख दो 3 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, मिलाकर कितना हो जाएगा 1, तो 4 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा 1, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसका 3 गुना, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ये आ गया, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एक बॉक्स बनाना होगा हमें और यहां पे लिखना होगा एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 और यहां पे उसके कोरोस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, एक भी टेल ना आए, यानी कि दोनों पर क्या है, हेड आए, दोनों पर हेड आए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और फिर से हेड आए तो कितना हो जाएगा 3/4, आंसर क्या आ जाएगा 9/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एक पर टेल आए और एक पर हेड आए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है पहले हेड आए यानी 3/4 और फिर टेल आए 1/4, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/16। और लास्ट बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों पर टेल आए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 × 1/4, आंसर क्या आ जाएगा 1/16। इसे पुट कर दीजिए, यहाँ पे डाल देंगे 9/16, यहाँ पे डाल देंगे 6/16, यहाँ पे डाल देंगे 1/16। देखिए ऐड करके बिल्कुल आ रहा है 16/16, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो इनफाइनाइट स्टार्ट है, बहुत बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसमें करना कि आपको ये एक्स दे रखा और ये प्रोबेबिलिटी उसके क्रॉसपॉन्डिंग दे रहा है, ये हमें 4 वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं इसका सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसके हेल्प से तो हम पहले के निकाल लेते हैं, पहला पार्ट हम के निकाल लेते हैं, तो इसको सम करके 1 के इक्वल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3k 5k 8k 8k, और ये k कितना हो जाएगा 9k प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, और ये है 7k स्क्वायर, यानी कि कितना k स्क्वायर हो गया 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10k स्क्वायर प्लस 9k-1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस में 10k-k-1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस में 1-1 कॉमन ले लेंगे तो k+1 इक्वल टू 0। तो k की एक तो वैल्यू आ गई 1/10 और एक वैल्यू आ गई -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/10 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि k की वैल्यू कितनी है 1/10। अब हम सेकेंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स लेस देन 3, तो लेस देन 3 में कौन कौन आ जाएगा, 3 से छोटे में कौन कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 3 से कम में। तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2k, 1 की प्रोबेबिलिटी k, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा कितना 2k प्लस में k प्लस में 0, आंसर 3k, और k की वैल्यू हमने निकाला हुआ कितना है बच्चों 1/10, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/10। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर हमें क्या निकालने को बोला, गौर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, तो 6 से ज्यादा कौन है, ओनली 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 में ये रहा, क्या लिखा हुआ 7k² प्लस में k, यानी 7 और k स्क्वायर यानी कि 1/100 प्लस में k, तो कितना हो जाएगा 1/10, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में ये हो जाएगा 10, आंसर आ जाएगा 17/100। ये हो गया
थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या बोला, ध्यान से देखिए, फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोला, जीरो से ज्यादा, ये फोर्थ पार्ट है, जीरो से ज्यादा और तीन से कम। तो जीरो से ज्यादा और तीन से कम में कौन कौन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन आएगा और एक्स इज इक्वल टू टू आएगा। जीरो से ज्यादा और तीन से कम, वन और टू आएगा। तो वन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है के, और टू के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है टू के, तो कितना हो जाएगा थ्री के, और के की वैल्यू दस है, तो आंसर वन बाई टेन है, तो आंसर आ जाएगा 3/10। ये आ गया चारों पार्ट का आंसर। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फाइंड मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड इन थ्री टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन। तो सबसे पहले तो बताओ एक्स क्या होगा, तीन कॉइन को टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या आ सकता है, एक भी हेड ना आए, एक पे हेड आ जाए, दो पे हेड आ जाए, तीन पर हेड आ जाए, ये आ जाएगा तीन कॉइन को जब टॉस करें। सैंपल स्पेस भी लिख लो, तीन कॉइन का क्या आ जाएगा, हेड 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 हेड, टेल, टेल को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास आठों के साथ। जहां जहां पे हेड है वहां पे क्या लिख दो, टेल लिख दीजिए, आपको केस मिल जाएगा, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये आठों के साथ आपने लिख दिया। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले बनाना पड़ेगा, फिर बताऊंगा मीन कैसे निकालते हैं। ये एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो वन टू और थ्री, और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी बोला क्या गया, जीरो हेड, जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, जीरो हेड, एक भी हेड ना है, तो ये जगह तीनों टेल यानी वन बाई एट। एक हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड कितनी बार है, एक हेड है एक दो तीन, तो कितना आ जाएगा तीन बाई आठ। दो हेड की प्रोबेबिलिटी बच्चों, एक दो तीन, तीन बाई आठ, और तीन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ, वन बाई एट। ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको मीन निकालना है। मीन क्या होता है देखिए, एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ई ऑफ एक्स भी बोलते हैं मीन को। तो ये कुछ नहीं होता, सिंपली क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी सिग्मा एक्स आई इन टू में पी आई, इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, आपका मीन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, मीन निकालने के लिए जैसे हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना है जीरो को वन बाई एट से, जीरो इंटू वन बाई एट प्लस वन को थ्री बाई एट से, तो वन इंटू थ्री बाई एट प्लस टू को थ्री बाई एट से, तो टू इंटू में थ्री बाई एट प्लस थ्री को थ्री बाई एट से, यानी थ्री इंटू में थ्री इंटू में वन बाई एट आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आठ और तीन और छः, नौ और तीन बारह, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्री अपॉन में टू, ये आंसर आ जाएगा मीन का। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, काफी अच्छा है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। इन अ मीटिंग 70% मेंबर फेवर कर रहा है और 30% मेंबर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फॉर अ सर्टेन प्रपोजल। कोई एक प्रपोजल को 30% लोग एग्री हैं और 30% लोग डिसएग्री हैं। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो ही अपोज, और एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, ही इज इन फेवर। तो हमें क्या निकालना, एक्सपेक्टेशन निकालना और वेरियंस निकालना, अभी सिखाता हूं। तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू अभी दो ही है, जीरो और वन। तो पहले ये निकाल लो, एक्सपेक्टेशन क्या होगा, बहुत ही ईजी, एक्स की वैल्यू जीरो और वन, उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी, यानी अपोज की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30%, 30% कहे तो 0.3, और 1 मतलब, 1 का मतलब फेवर, फेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70%, 70% कहे तो 0.7 आ गया ये। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन का फॉर्मूला यानी एक्सपेक्टेशन जो बताया मैंने, एक्सपेक्टेशन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यानी 0 इंटू में 0.3 प्लस 1 इंटू में 0.7, आंसर क्या आ जाएगा 0.7। और उसके बाद है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देख लीजिए। वेरिएंस ऑफ एक्स आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, यानी 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस इसका स्क्वायर इसको करके इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 का स्क्वायर इंटू में 0.7। कुछ और होता सपोज कि जैसा होता 2 और यहाँ पे तो 0.1, कुछ भी होता, तो आप क्या लिखते हैं प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू में 0.1। तो इस तरह से वेरिएंस निकालते हैं, बट यहाँ पे दो ही है तो बस यही रहने दीजिए। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.7, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.7।
है, क्लियर।